मुंबई से एम्बुलेंस द्वारा आए मरीज धर्मेंद्र साहनी पुत्र किशोर साहनी निवासी भरवल थाना बेलीपार के साथ आए भाई रजनीश निषाद पड़ोसी नीलेश प्रदीप व कमलेश 7 मई को गोरखपुर आए थे, जहां गीडा स्थित डेंटल कॉलेज में बने क्वारंटाइन सेंटर में प्रदीप व कमलेश को क्वारंटाइन किया गया था तथा मरीज धर्मेंद्र के साथ नीलेश व रजनीश गांव चले गए थे। जांच में 23 वर्षीय युवक कमलेश की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कमलेश को यहां से BRD मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है तथा जले हुए मरीज धर्मेंद्र साहनी के साथ नीलेश व रजनेश व छोटू को बेलीपार के भरवल गांव से जांच के लिए BRD मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। आपको बता दें कि गांव के कमलेश नामक युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के खबर से गांव में दहशत का माहौल है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अन्य क्वारंटाइन लोगों की जांच के बाद DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर, ग्राम पंचायत अधिकारी अखिलेश गुप्ता, ग्राम प्रधान सरिता देवी की मौजूदगी में सफाई कर्मी द्वारा गांव को सैनिटाइज किया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने कहा, इनके पिता का क्या नाम है? किशोरी प्रसाद। और धर्मेंद्र, दो नंबर। किशोरी प्रसाद नाम के हैं। हाँ, तीसरा कमलेश। पिता के नाम क्या बताइए? लालमणि। ये कहाँ रखे हैं? ये तो यहीं पास थे। कमलेश है ना? हाँ हाँ। चलिए ठीक है, और बताइए। बस यही लोग थे, पांच लोग थे ना? लालमणि के बेटा है तो वहाँ। वो भी वहीं रुके गए ना? दो लोग वहाँ रुके गए हैं। हाँ हाँ, दो थे। नीलेश 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 इधर ना? नीलेश आया ना? हाँ हाँ, नीलेश है। उसका भाई कमलेश उधर है। कहाँ पे है बाबू कमलेश? सजनों सजनों। नीलेश नीलेश यहाँ लालमणि के जब आ रहे थे तो उसमें चार पांच लोग थे। पांच लोग थे। तो पुलिस वाले जब चेक किए तो लोगों ने कहा लेके जा रहे हैं, या हो सकता है डिटेल तो लड़के से ही मिलेगा, क्या कहा क्या नहीं। तो उसके बाद उन दो लोगों को लोग रख लिए और बोले कि आप लोग भर्ती करके कि मेरा छोटा लड़का था। उस समय उन लोगों को लग रहा फीवर उवर था, फीवर था, कुछ रहा होगा या नहीं हम डिटेल बता पाएंगे क्योंकि हम तो थे नहीं। लेकिन रजनीश बताएंगे। और बताइए आप उनसे मिलने कौन कौन लोग गए हैं यहाँ से? इनसे ये चीज बताइए, उन लोगों को प्रदीप कमलेश से मिलने वाले कितने लोग वहाँ गए हैं? वहाँ सजनवा सजनवा में हमको उनका सारा डिटेल चाहिए। कोई नहीं गया। आप लोग नहीं गए हैं? नहीं, हम लोग कोई नहीं गए। हम लोग कोई नहीं गए। आप लोग कोई नहीं गए? नहीं। अच्छा, तीन लोग कौन लोग उनसे मिलने गए हैं कल? तीन लोग गए थे ना? हाँ, कल गए थे। कौन लोग गए थे? हमको कल परसों में कोई गए थे तीन लोग। वो 10 तारीख से ही मुंबई थे, बॉम्बे में ही। हाँ, मार्च से 10 मार्च होली के दिन बॉम्बे में थे, वहीं भर्ती किया गया उनको, वहाँ से उनको उस तारीख को निकाला गया। ठीक है, ये किशोरी के लड़के हैं। हाँ, किशोरी कौन है? हम ही हैं। आप ही हैं, मतलब ये आपके बच्चे हैं। हाँ, आप उनसे मिलने नहीं गए अभी तक? नहीं, अभी तक मिलने नहीं गए। वैसे खेती बाड़ी आते, लेकिन मिलने हम नहीं गए। रजनीश यहाँ आए थे ना? नहीं, रजनीश भी यहाँ नहीं आए। वो भी वही है, वही पांचों लोग वही है। घर कोई नहीं है? नहीं, जो जले है ना वो विद्यालय पे, वो भी वही है। विद्यालय तो सब लोग विद्यालय में ही है, जो चला हुआ वो भी वही है विद्यालय में। दिखा रहा है यहाँ। वहाँ पे गीडा पे कौन कौन लोग रुके हैं? प्रदीप, प्रदीप कमलेश। कमलेश एक चीज बताइए, इसे मिलने आप लोग गए थे? नहीं। कौन कौन लोग गए थे इनसे मिलने? आपको कोई नहीं गया? कोई नहीं गया? उनके घर से कोई नहीं गया है? नहीं कोई। लेकिन ये तो जानकारी में आ रहा है कि तीन लोग मिलने गए हैं उनसे। नहीं गया।
ये चीज़ जो सही हो आप लोग बता दीजिए, हमको जो जानकारी है मतलब कि काफ़ी झंझट हो गए इसके लिए सर। ये लोग कल गावे से क्यों मिले गए तीन आदमी। अच्छा नहीं वो पूछा था, चल ठीक है सर। अभी बात हुई थी सर, औरत है जो बॉम्बे से बाइक से आया था, बात होती है तभी लोग तो बोले कि हम जाँच हो रहे थे, फिर बोले कि नेपाल बोले अभी गए, बोले चले आ जाओ जाँच करने के लिए, हम बोले सामान वाले लेके जा रहे हैं। घर कहाँ है बाबू? इधर ही पास क्या घर, मतलब सबसे अलग है? हाँ मतलब अंदर दरवाजे में बंद करके, जैसे यहाँ खाना पीना आ रहा था वैसे अंदर दरवाजा बंद, खाना पीना बाहर से आता था दरवाजा बंद करके अपना खा लेते थे। ठीक है आप अभी यहाँ रहिए, अभी हम टीम भेज रहे हैं, ओके जब का जाँच होगा तो टीम अपना बता देंगे। और कोई पत्रू? पत्रू 25 35 35 और कोई है कि बस लड़के नहीं है? गुड़िया गुड़िया और कोई कार्तिक कार्तिक उनकी उम्र कितनी है कार्तिक की? 8 साल। इनके अलावा और कोई? छोटा बच्चा है उनका नाम, इसका भी नाम नहीं मालूम मेरे को, और एक छोटी लड़की है उनको भी नहीं मालूम। क्या कह के बुलाते हैं आप लोग उसे? नहीं इधर नहीं लाते हैं, मैं छोटी जैसे नहीं बुलाते हैं, क्या कह के हैं आप लोग उसे? कोई नाम तो होगा? नहीं हम नाम नहीं लोग आए कहाँ से? कैसे आए थे हैदराबाद से? गैस उसे
भाई जब दाता था पूछा गया उसको क्या गए वो क्या हो रहा है उसकी बर्थडे आपको सूचना आपको लेनी है आपको देखना है घर घर की कि किस तरह से मन कौन कहाँ घूम रहा है कौन क्या किसका मोटिवेशन है आपको देखना है इसमें अगर जो हो रहे हैं तो आप सीधे थाने फोन करिए उसमें ये लगेगा कि घर के सामने होम क्वारंटीन है इनको घूमना नहीं है इनको गांव में जो भी घर में रह रहा है उनको घूमना नहीं है ना कहीं जाना आना नहीं है और जो जाएगा तो कोई एक व्यक्ति उसका घर के जाएगा वो भी मास्क और अपना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जाएगा तबीयत खराब हो रहा है या फिर हो रहा है तो आपको तत्काल सूचना दे मरीज आया था बॉम्बे से कहाँ से आया था जी बॉम्बे से आया था वहीं से वो जला हुआ था ये और ये उसके साथ चार लोग और आए थे तो यहीं इसको क्वारंटीन किया गया था इसकी हालत कुछ ख़राब होने लगी तो फिर आसपास टीम को बुला करके इसको भेजा जा रहा है जिले पे चेकअप के लिए सर इस गांव के कोई और व्यक्ति मुंबई से आया हुआ है बताया जा रहा है कि उसको पॉजिटिव आया अभी कोई इस तरह से ऑफिशियल कोई घोषणा नहीं है कि पॉजिटिव है वो है अभी गया है अभी जो आएगी रिपोर्ट तो उसके बाद में बताया जाएगा हाँ अभी सैनिटाइज होगा गांव भी सैनिटाइज होगा और भी सबको बताया गया है कि सब लोग अपना मास्क वास्क लगाएँ हाथ धो लें और दूरी बना के रहें हाँ एक और मरीज़ जो मुंबई से एक एम्बुलेंस में चार उसके सहयोगी और एक बर्न का केस लेके आए थे उनको हम लोगों ने चेक करने के बाद डेंटल कॉलेज जो सहजनवा में है वहाँ पे क्वारंटाइन कर दिया था और उनके चारों में से एक का सैंपल पॉजिटिव आया है जिसका नाम कमलेश कुमार है और एक उसके साथ और था उसका नेगेटिव आया है तीन ऐसे लोग थे जो वहाँ से घर जाने की कोशिश किए और आगे चले गए तो उनके गांव के पहले ही स्कूल में उन्हें पकड़ के पुलिस ने क्वारंटाइन कर दिया जिसमें कि वो मरीज़ और दो और व्यक्ति थे उन लोगों का सैंपल आज लिया जा रहा है और उन सबको वहाँ से ला के क्वारंटाइन कर दिया गया है चूँकि वो लोग घर नहीं गए थे इसलिए गांव में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है स्कूल को सैनिटाइज कर दिया गया है और स्कूल से उन लोगों को ला के 100 बेड टीवी हॉस्पिटल में एडमिट करके उनका भी सैंपल लिया गया वो हमारी टीमें निगरानी समितियां जिसमें आशा है प्रधान जी हैं वहां के सेक्रेटरी हैं वहां के कोटेदार हैं ये सारे लोग निगरानी समितियाँ चूँकि अन्य लोग भी आ रहे हैं और घरों में ही क्वारंटाइन हो रहे हैं निगरानी समितियाँ प्रतिदिन वहाँ भ्रमण कर रही हैं लोगों को क्वारंटाइन के बारे में बता रही हैं सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बता रही हैं हाथ धोने के बारे में बता रही हैं और लॉकडाउन पीरियड तक बाहर ना निकालने के बारे में बता रही हैं साथ में हमारी आशा एक चश्मा कर देती है कागज़ उस पर जिसमें हम लोगों के मोबाइल नंबर्स लिखे हैं और उसमें सावधानियाँ लिखी हैं और ये उसमें लिखा रहता है कि किस तारीख से किस तारीख तक आपको अपने घर में क्वारंटाइन रहना है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है उसके बावजूद भी हर एक से पूछती हैं हमारी आशाएं घरों में जाके कि क्या कोई मेंबर बुखार खांसी या सांस फूलने जैसी शिकायत बता रहा यदि ऐसी कोई बात होती है तो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को बताती है हम लोगों को पता लगता है फिर हम उसके आगे की कार्यवाही या तो एम्बुलेंस से ला के उसको ट्रीटमेंट देते हैं या अगर छोटी मोटी ऐसे ही हल्की फुल्की खांसी या बुखार है तो घर पर ही 2-3 दिन इलाज दे के फॉलो करते रहते हैं